हाय फ्रेंड्स, आज हम आए हैं लेइंग फार्म में। कल मैंने आपको बताया था कि 16 हफ्ते के बाद बर्ड का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, दूसरे फार्म में चला जाता है। आज वही फार्म मैंने आपको दिखाया है कि कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, और आज वही नेगी भाई हमारे साथ फिर दोबारा हैं। हमारे साथ हैं नेगी भाई, ये आपको जानकारी देंगे 16 हफ्ते के बाद जब बर्ड यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है तो किस तरह उसकी केयरिंग की जाती है, कहाँ पर मेल को रखा जाता है, कहाँ फीमेल रखी जाती है, और टेम्परेचर का क्या सीन रहता है वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। आइए नेगी जी, बताइए इनको। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ऐसा है, 16 हफ्ते के बाद इधर शिफ्ट हो जाती हैं मुर्गी। अच्छा जी। हाँ, यहाँ शिफ्ट होंगी। इनमें पहले तो ये सब मतलब धुलाई उलाई होके फिर ये मैट मूट बीछते हैं। अच्छा जी। इसके बाद फिर वहाँ से मुर्गी यहाँ इसमें फिनिशिंग वगैरह करेंगे। करने के बाद में यहाँ वो मुर्गी वहाँ से आएंगी, यहाँ शिफ्ट होंगी। अब बात अच्छा, और इसमें मेल कहाँ रहता है? ये तो मुर्गी का हो गया ना, ये तो मुर्गी का तो है, हाँ। और मेल अपना इधर रहता है। मेलों में कोई मैट वगैरह कुछ नहीं होती है, मेल ऐसे ही रहेंगे। अच्छा जी, सिंगल सिंगल मेल। सिंगल सिंगल मेल। ओके, यानी कि जैसा कि बता रहे हैं कि मुर्गी को जो डबल में रखा जाता है, जोड़े में, पेयर में रखा जाता हाँ है, जी, इसी में और मतलब एक पिंजरे में दो मुर्गी आएंगी। ओके, हाँ जी, एक पिंजरे में दो मुर्गी रखी जाती हैं और मेल को यहाँ पे सिंगल रखा जाता है। हाँ जी। ये मेल किस लिए हम लोग यहाँ पे इसमें मेल का यूज करते हैं? ये मेल का स्मेल लिया जाता है और फिर मुर्गी में इजेक्ट किया जाता है सिरिंज द्वारा। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो कितने हफ्ते से आप अंडा लेना स्टार्ट कर देते हैं मुर्गी से? ये ऐसा है सर, हमारा ये है, अंडा 24 हफ्ते में आने लग जाता है। अच्छा जी। तो 24 हफ्ते में हम अंडा मतलब बच्चे के लिए यूज नहीं करते, वो मतलब साइज का छोटा ही निकलता है बच्चा। फिर उसमें हमारा ये 28-29 हफ्ते से हम अंडा यूज में लेते हैं। कितने ग्राम का रहता है जब वो अंडा होता है सर आप यूज करते आपका हैं? 59-60 ग्राम से प्रॉपर का लेते हैं। अच्छा। हाँ और जी। हम छोटे बेट के एग को लगाएं हैचिंग में, हाँ जी। तो क्या रहेगा उसका तो रिजल्ट? सर उसमें ऐसा होता है, अभी ठंड का टाइम है, छोटा बच्चा लोगे निकालोगे आप, किसी फार्मर को दोगे तो वो बहुत मोर्टलिटी होगी उसमें। अच्छा, तो गर्मी के समय में निकाल सकते हैं छोटा हाँ चिक्स? हाँ नहीं, जी। हाँ जी, गर्मी के टाइम में पाल सकते हो आप कितने बच्चा। ग्राम तक का अंडा हम हैचरी में लगा सकते हैं यहाँ से सर लेके? हम 55 55 से ऊपर पर ले सकते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, 55 से, जैसा कि भाई ये बता रहे हैं कि भैया कि 55 ग्राम से ऊपर का ही एग हैचरी में लगाया जा सकता है, क्योंकि ये हैचरी के लिए ही हम यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं, ब्रीडिंग फार्म में तो हैचरी के लिए उत्पादन किया जा रहा है, तो 55 ग्राम से प्लस में ही अंडा लें जो भी लें, और उसमें हैचबिलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ वो पंखे भी लगा रखे हैं बहुत सारे। ये किस लिए लगा रखा है इतना पंखा, ये क्यों? पंखे ऐसे होते हैं जी, गर्मी में जैसे मुर्गियों को गर्मी लगती है अच्छा, तो ये पंखे चलते हैं सारे के सारे, तो और उधर कूलिंग पैड भी लगा हुआ है। अब ठंड के टाइम में ऐसा है, एक एक दो पंखे चलते हैं जो कि अंदर गैस बन जाती है, अच्छा तो वो गैस निकालने के लिए एक आध पंखा चलता रहता है इसका। अच्छा हाँ जी। तो ये तो हवा बाहर को फेंकते हैं। हाँ जी। अब अंदर से गैस को खींचेगी ना सर, तो ऐसे करके बाहर को अच्छा, फेंकेंगे। कूलिंग पैड कहाँ पे लगा है? कूलिंग पैड पीछे लगा हुआ है हमारा। हाँ अच्छा जी। अच्छा जैसा कि वो देख रहे हैं आप वीडियो में, ये वो बैक साइड में देख रहे हैं कूलिंग पैड लगे हुए बड़े बड़े, और इसमें वो कूलिंग पैड जब यूज होगा उसमें पानी रहेगा, पानी चलता रहेगा लगातार, कंटिन्यूस पानी चलेगा जब, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पंखा इसको खींचेगा वहाँ से पीछे बैक साइड की एयर बैक। खींचेगा, हाँ जी। तो अंदर कूलिंग होने लग जाएगी। यानी कह सकते हैं हम इसको कुल मिला के कूलर सिस्टम लगा रखा है हमने, बहुत बढ़िया सिस्टम कर रखा है। और टैंक का आप देख सकते हैं, यहाँ पे टैंक भी रखे हुए हैं ऐसे फार्म के अंदर रखे हुए हैं। इससे क्या रहेगा कि जो बाहर ठंड हो जाती है या बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे पानी गर्म हो जाता है, या ठंड के टाइम में पानी बहुत ठंडा हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि अंदर सेफ्टी में टैंक रहेंगे। और दूसरा, वो क्या सिस्टम लगा रखा है आपने वो उधर आगे? ये होते हैं जी फिनिशिंग के, वो होते हैं क्या कहते हैं, जैसे वाटर यहाँ से आता है तो यहाँ आता है, यहाँ इकट्ठा होता है, तो अच्छा जी। यहाँ से आगे सप्लाई चलती है। जैसे इसके पीछे वो भी लगे हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं हम इसको, जैसे हमने पाइप की सफाई करनी है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पाइपलाइन जोड़ रखी है हमने टैंक के साथ, ज्वाइंट कर रखी है, वहाँ से पाइपलाइन आ रही है, और वो ऊपर जो देख रहे हैं ऊपर दो पाइप आ रहे हैं, वो मोटर से डायरेक्ट कर रखे हैं,
वो मोटर से पानी आता है टैंक में, और यहाँ से वहाँ से टैंक से होता होता यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं ये जो बॉक्स बना रखे हैं, तो ये बॉक्सों में पानी आ जाता है। और यहाँ मेन वाल दे रखा है, एक मेन वाल के जरिए यहाँ पे पानी आता है, कभी आपको पानी बंद करने की जरूरत पड़ जाए तो यहाँ से आप पानी बंद कर सकते हैं। और ये जो बॉक्स हैं इनमें लगातार पानी आता रहेगा, और यहाँ से आगे सप्लाई दी जाती है। कोई मेडिसिन वगैरह का कभी वैक्सीन वगैरह देनी होती है, जैसे लसौटा होगी कोई भी वैक्सीन है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट दे सकते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छा लगा। और आपको ये नॉलेज कैसी लगी बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।